शिवपुरी में चार अलग अलग जगह पर मृत कौओं के मिलने से सनसनी फैल गई। कलेक्टर निवास के पास उद्यानिकी विभाग की नर्सरी में भी कौए मृत पाए गए। घटना की सूचना लगने पर पशु चिकित्सकों ने मौके पर पहुंचकर कौओं के शवों को जांच के लिए भेज दिया। शहर भर में मृत कौओं से मिलने से प्रशासन अलर्ट हो गया है। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MC तिमोरी ने बताया कि इस जगह बीमारी कौए और कबूतर में देखने को मिलती है, लेकिन बर्ड फ्लू की आशंका के चलते जिले में टीमें तैनात कर दी गई हैं। आज सुबह मैंने अपना शॉप खोला तो मैंने देखा छत पे मक्खी हो रही है, छज्जे पे मक्खी हो रही है। तो मैंने देखा उस पर दो कौए मरे हुए डले थे। तो फिर मैंने 8 बजे अपने मोबाइल से पत्रिका में आज नंबर दिए थे, मोबाइल द्वारा सूचित किया। उसके बाद 12 बजे तक कोई नहीं आया, वो तो देखा एक कौए को बिल्ली उठा के ले गई या कोई उठा के ले गया और दूसरे नीचे गिर गया। अब दूसरे कौए को अन्य जानवर खींचने लगे, तो मैंने कहा कोई नहीं आ रहा, तो मैंने उसको लकड़ी मकड़ी लगा के उसको पूर्ण रूप से विनष्ट कर दिया, एक तरह से जला दिया। अब विनष्ट करने के बाद टीम पहुंची तो उसका उदाहरण आपके सामने है, विनष्टीकरण का, जो इन्होंने कैमरे में अपने ले लिया होगा। कल सुबह सूचना मिली थी हमें, दोनों के सैंपल हमने कलेक्ट करके DI में भोपाल में भेजे हैं। अभी जो है बर्ड फ्लू की शिकायत से मालदा क्षेत्र में इंदौर पुलिस और घटना में कुछ पॉजिटिव आई है, जो बर्ड फ्लू वायरस है, उसके लिए पुष्टि हुई है। मृत्यु की तो सावधानी